तुम्हें देखे यार, कैसी हो तुम? जो खेल तुम खेल रही हो ना अंतरा, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, हम बता रहे हैं तुम्हें। देखो क्या है ना गुड्डन, खेल तो मेरा है ना, तो अंजाम भी तो मेरा ही होगा ना। खेल तुम्हारा है लेकिन परिवार हमारा है अंतरा। चुपचाप बताओ कहाँ है अंगद जी, कहाँ है जिंदल साहब? तुम भी ना गुड्डन कितनी सिली हो ना, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो खेल खत्म नहीं हो जाएगा, ऐसे कैसे बता दूं तुम्हें? इस तरह पीछे से वार करके अपना मतलब निकालने वालों को ना कायर कहते हैं। कायर, दिखाई देना तुमने अपनी औकात। कायर और मैं, आर यू सीरियस? नहीं हो ना तो सामने से वार करो, बताओ कहाँ है जिंदल साहब, कहाँ है अंगद जी? तुम सामने से खेल खेलना चाहती हो? नॉट बैड। चलो ठीक है, तुम्हें मैं ये खेल खेलने दूंगी। ओके, क्या है ना गुड्डन, तुम्हारे जिंदल साहब और तुम्हारे देवर का पता मुझे पता है और वो मैं तुम्हें दूंगी। ओके, देखो कितनी जेनरोसिटी है मेरे में, मतलब गिवन, मांगो तुम्हें क्या मांगने, मांगो मांगो, आज तो मेरा मूड बहुत अच्छा है। कुछ नहीं मांग रही तुम? चलो ठीक है फाइन। अच्छा अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। तो क्या है ना गुड्डन, जिंदल साहब के साथ वो जो दुर्गा मंदिर है ना, वहां पे शादी कर रही। जहां तक मेरी कैलकुलेशन जाती है ना, दुर्गा मंदिर जहां पे तुम हो वहां से कुछ आधे घंटे का डिस्टेंस होगा, है ना? लेकिन वहीं उल्टी डायरेक्शन में, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ना तुम्हारा देवर कैद। मुझे पेपर मिले ना उसके कंपाउंड में, और तुम्हारे देवर के पास आधे घंटे तक का ऑक्सीजन सिलेंडर। तुमने खेल खेला था ना मेरे साथ, अपने जिंदल साहब को बचाने के लिए तुमने मेरी शादी रोकी थी ना, तो बस अब मैं अंतरा तुम्हारे साथ खेल खेलूं। एक काम करो गुड्डू, अभी ना इमीडिएटली वहां से निकलो, फटाफट यहां पर आओ और अपने जिंदल साहब को मुझसे शादी करने से बचा लो। या फिर एक और काम कर सकते हो, उल्टी डायरेक्शन में भागो और जाके अपने देवर को बचा लो, क्योंकि क्या है ना, तुम किसी एक ही को बचा सकते हो। That's the deal now, what to do? अब क्या है ना गुड्डन, ये जो खेल हम लोग खेल रहे हैं ना, उसमें बस एक ही रूल है। इस खेल में दो प्लेयर्स होंगे, एक तुम और एक मैं, और अगर इस खेल में ना गलती से किसी और की एंट्री हो गई ना तो रूल ब्रेक हो जाएगा, और इस खेल का नतीजा आने से पहले अगर ये खेल रुका ना तो क्या है ना, तुम जानती हो ना मैं क्या करूंगी, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानती हो अभी, है ना? चलो चलो, यू डोंट हैव टाइम, आधा घंटा है, चलो चलो डिसाइड करो। ओके बाय। एक ही समय पर जिंदल साहब और अंगद जी कैसे बचाएंगे दोनों को? दीप, हमें पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे अंगद जी मर जाएंगे। दीप, कुछ नहीं होगा। कैसे कह सकती हैं आप दीप? आपने सुना नहीं अंतरा ने क्या कहा? आप एक ही साथ एक ही समय पर दोनों को कैसे बचा पाएंगी? दीप, अंगद मेरी जिंदगी है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। शांत रह, कुछ नहीं होगा। रेवती रेवती बेटा, हम पुलिस को नहीं बता सकते, अगर अंतरा को जरा भी भनक भी लगी ना तो अंगद को खत्म करवा देगी बेटा। तो क्या करे दादी, यहाँ हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहे? देखिए, अगर आप लोग को कुछ नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने अंगद जी को ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। नहीं रेवती, समझने की कोशिश करो, अंतरा ने साफ साफ कहा है वो चाहती है कि सिर्फ गुड्डन सासुमा वहां जाए। गुड्डन सासुमा के अलावा हम में से कोई भी वहां गया तो अंगद की जान को खतरा हो सकता है, समझो? समझने की तो कोशिश आप लोग नहीं कर रहे हैं। अंतरा ने आप लोग को मना किया है, मुझे नहीं, तो मैं जा सकती और मैं जाऊंगी, मैं यहां चुप नहीं बैठने वाली। ने कहा ना चुपकी, तुझे भरोसा रखना होगा अपनी दीदी पर। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ दी, इतने कम समय में आपसे दोनों को बचाना कैसे हो पाएगा? मुझे जाने दीजिए दी, मैं नहीं रुकने वाली। उठ के
अब वर और वधू दोनों लोग फेरों के लिए खड़े हो जाए। अरे वो नहीं आएगी। गुड बॉय, आखिर में तुम मान ही गए ना कि तुम्हारी गुड डांसिंग ना हो पाएगी, ना ही यहाँ पे आना और ना ही ये शादी को रोक पाएगी। गुड्डन आएगी अंतरा, जरूर आएगी, मुझे यकीन है मेरी गुड्डन पर। और तुम देख लेना, मेरी गुड्डन का मेरे यकीन पर खरा उतरना बखूबी हो पाएगा। अब फेरे होंगे, पहले फेरे में वर आगे चलेगा, वधू पीछे। चल चल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणा ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मेरा मन करता है पूरी दुनिया में ऐलान कर दूं कि मैं अक्षत जिंदल गुड्डन अक्षत जिंदल का पति हूं। क्या हुआ, रुक क्यों गई? उछल दो मेरे दिल को और शांत कर लो अपने गुस्से को। तुम जाओ। मैं कुछ भी करके जिंदल साहब तक पहुंचना ही होगा, कैसे भी करके। उसके बाद मेरी जीत और उस गुड्डन की हार। मैंने तुम्हें कहा था ना, वो नहीं आ पाएगी। अभी शादी पूरी नहीं हुई अंतरा, जैसे कि तुमने कहा ना, अभी एक फेरा बाकी है। गुड्डन आएगी, जरूर आएगी। ये सातवां और आखिरी फेरा है और तुम मुस्कुरा रहे हो। मैंने कहा था ना, गुड्डन नहीं आ पाएगी। गुड्डन का इशारा मुझ तक पहुंच चुका है अंतरा, वो भी आती ही होगी। शुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेर वहां देखो प्रकाशनी भजामी विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात धारणी निवासनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी। हमने कहा था ना अंतरा, हमारे होते हुए तुम कभी नहीं जीत सकती। आज बुराई का अंत निश्चित है, अंतरा का अंत आज निश्चित है।
सही थे आप जिंदल साहब, बिल्कुल सही। और हम गलत। आज आपके प्यार की वजह से सब मुमकिन हो पाया जिंदल साहब। तो कैसे कहते हैं कि प्यार नहीं है, बहुत प्यार है जिंदल साहब। ना प्यार की अगर खरोंच आपको होती है तो दर्द हमें होता है जिंदल साहब। इतना प्यार है कि आपके लिए, अपने पति के लिए पूरे संसार से लड़ जाएंगे। आई लव यू जिंदल साहब। की वजह से ऐसे दिन आ गए हैं कि ये 100-100 में बिकने वाले लोग मुझे तमीज सिखाएंगे। इस बार ना मुझे इस जेल से भागने की जरूरत नहीं है। गुड्डन इस वक्त कितनी खुश हो रही होगी ना, अपनी जीत की खुशी मना रही होगी। तुम्हें लेकिन ये पता नहीं है गुड्डन, अंतरा का प्लान ए फ्लॉप हुआ है, लेकिन प्लान बी, जो प्लान ए से भी ज्यादा खूंखार खतरनाक है, वो तो शुरू हो चुका है। और प्लान बी पूरा हो भी जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या है ना, मुझे धीरे धीरे अपने पते खोलने की आदत है, इसलिए तो अपने आप को रानी कहती हूँ ना मैं इस खेल की। और मेरा जो ये छुपाया हुआ हुक्म का इक्का है ना, उसके खुलते ही तुम्हारी रातों की नींद गायब हो जाएगी, चैन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा ये परिवार, तुम्हारा पति, ये सब तबाह हो जाएंगे। छोड़ना मसाले को, आज कोई गलती नहीं, मैडम का प्लान भी कामयाब करेंगे आज। मेरे जो आदमी है ना, वो उस अंगद को घर की चौखट तक पहुंचने नहीं देंगे। यही तो है मेरा प्लान बी। बी फॉर बर्बादी। इस बार मैं चार दीवारी में रहकर भी एक असली बाजीगर के जैसे ये बाजी जीत जाऊंगी। और तुम खुले आसमान में रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हें इतना मजबूर, इतना लाचार, इतना परेशान करूंगी ना मैं कि तुम खुली जगह पे भी ऐसा लगेगा जैसे कोई कला दबा रहा है। तुम्हें ना सांस नहीं आएगी गुड्डन। क्योंकि ना इस बार जो मैंने धमाका प्लान किया है ना, उसकी वजह से ये जो लोग हैं ना, जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम पे नाज करते हैं, बड़ा प्राउड फील करते हैं, वो तुम पे थूकेंगे, तुम्हें कोसेंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस बार तुमसे चाह के भी कुछ ना हो पाएगा। ए पकड़ो इसे, भागने ना पाए। ए रुक, ए खड़ी गाड़ी में अलार्म कैसे बज सकता है जिंदल साहब? कोई होगा ना वहाँ? You're right. चलो, चल के देखते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं।
मुझे लगा जैसे किसी ने इस गाड़ी, हमें भी ऐसा ही महसूस हुआ जिंदल साहब, है ना, जैसे कोई तो था, कौन हो सकता है? तुमने वो आवाज सुनी? कौन सी आवाज? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा। जिंदल साहब, अभी तो देखा कोई नहीं है यहाँ पर, आपको वहम हो रहा है। चलिए घर चलते हैं, अंगद जी पहुंच गए होंगे, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अंगद, हाँ चलो। जिस गली तुम मुड़ चुकी हो ना, उसका नाम करम है, और उस करम नामक गली में तुम्हारा अंत होना तो तय है। दो निर्दोष लोगों की हत्या की है तुमने अंतरा, वो लोग जो तुमसे प्यार करते थे, तुम्हारी इज्जत करते थे। जब कभी अपनी बड़ाई करने से समय मिल जाए ना तुम्हें, तो इस जेल की चार दीवारी में बैठकर सोचना कि तुमने क्या किया। जिस एक तरफा करम नामक गली में तुम चल रही हो ना, उस गली के दूसरे छोर पर तुम्हारा कितना भयंकर अंत है, उसे याद कर। गुड्डन, क्या है ना, अंत तो उसी का होता है जिसकी कोई शुरुआत होती है। ये खेल मुझसे है, इसकी रचयिता मैं हूं। तुम्हारे आने से पहले भी मैं यहां थी, तुम्हारे जाने के बाद भी तो मैं यहां। और तुम्हें क्या लग रहा है, ये जो अंगद मर गया, इसे खेल ये खत्म हो गया है? नहीं, एक्चुअली बिल्कुल ऑपोजिट है। अब एक्चुअली इस खेल का ओपनिंग सीक्वेंस शुरू होने वाला है। अब बस तुम देखते जाओ गुड्डू, मेरे इशारों पे चलने वाला ये समय का पैगा तुम्हें क्या क्या खेल दिखाता है। गरुण पुराण 13वां अध्याय, असोच काल निर्णय, असोच में निषिद्ध कर्म, सपिंडीकरण श्राद्ध, पिंड मेलन की प्रक्रिया, सयादान, पददान तथा गया। सासू माँ, मुझे रेवती की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कल से ना उसने कुछ खाया है, ना किसी से बात कर रही है। रोना तो बहुत आ रहा है उसे, पर एक आंसू नहीं गिरने दे रही आंख से। मैं भी आपको चाहने लगा हूँ। कोशिशों के बाद प्यार गई तेरी बहन चुनकी, बचाकर भी बचा नहीं पाया मंगा जी को, नहीं हो पाया गुड्डन से। रोले चुटकी, जी भर के रोले, मत छुपा अपने दर्द को, मत डरे ना आंसुओं से। दिल है ना तेरे साथ, तेरी ताकत, तेरी ढाल, हमेशा तेरे आंसू पूछते आए ना, आज भी पूछे। एक एक आंसू का हिसाब लेगी तेरी बहन चुनकी। दीजिए हिसाब। यह आंसू भी आप ही ने दिए है ना, तो दीजिए हिसाब। पहले खुद आंसू देती हैं, फिर पूछने की बात करती हैं। मेरे अंगद जी मर चुके हैं, उनका साथ तो छूट गया, लेकिन उनके मौत के साथ इन आंसुओं से मेरे जिंदगी भर का रिश्ता जुड़ गया है। चुटकी, तू ये क्या कह दो रही है मुझसे? और चुटकी बोल बोल के पुचकाने की जरूरत नहीं है, समझी आप? सच्चाई ये है कि आपने अपने प्यार को बचाया और मेरे प्यार की बड़ी चला दी। आज आपकी वजह से अंगद जी मेरे साथ नहीं है और कभी नहीं होंगे। वो इकलौती खुशी थी वो मेरी जिंदगी में, इकलौती खुशी, वो भी आपने छीन ली सिर्फ अपने परिवार वालों की खुशियों के लिए। इसलिए आप मुझे नहीं जाने दे रही थी ना, ताकि जीजू पर कोई आंच ना आए। नहीं चुटकी, आप जानती थी ना कि अंगद जी कितने इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए,
जानते थे कि नहीं आप भूलिए। आपने तो वादा किया था ना कि आप उनको सही सलामत मुझ तक वापस लाएंगी, तो फिर क्यों नहीं वादा पूरा किया आपने? आपसे तो सब हो पाता है ना, तो फिर ये क्यों नहीं हो पाया आपसे? आखिरकार आपने साबित कर ही दिया दी कि सौतेला तो सौतेला ही होता है। आपने साबित कर दिया कि मैं आपकी सौतेली बहन हूं। आपके कदम ने आज साबित कर दिया कि अपनों को प्यार जताया जाता है और सौतेलों को सिर्फ बताया जाता है। प्रीति, अंगद की मौत का दुख हम सबको है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं अपनी बहन से बात करने का। अंगद की मौत की जिम्मेदार गुड्डन नहीं अंतरा है। अरे गुड्डन ने तो अंगद को अपनी जान पर खेलकर बचाया था। अच्छा जीजू, बचाया था? कहाँ है अंगद जी? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे, आपको दिखाई दे रहे? बताइए कहाँ है मेरे अंगद जी? जवाब है किसी के पास? मर गई है चुटकी आपके लिए, कोई रिश्ता नहीं है अब हमारे बीच। इसी के साथ शांति पाठ समाप्त हुआ। अब आप सब लोग मृतक की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। मैं, तू, मेरे यार, तेरे फ्रेंड्स, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, हो गए सारे जंगली इकट्ठे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज पिजामा पकड़ के बैठे। क्या बदतमीजी है, कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? सब आपको दिखाई नहीं दे रहा हमारे फैमिली मेंबर की 13वीं है? किसने भेजा है हमने पूछा? जिंदल साहब, रिलैक्स गुड्डन, हम में से किसी ने ये ऑर्डर नहीं किया है। क्या है ये, किसने ऑर्डर किया? अंगद सर ने ऑर्डर किया था मैम। जी मैम, अंगद जी ने एक महीने पहले ही केक और गिफ्ट का ऑर्डर दिया था अपनी भाभी गुड्डन जी के लिए। हमने तो पहली बार ऐसा देवर देखा है जो अपनी भाभी के लिए एक महीने एडवांस में बर्थडे सरप्राइज प्लान कर सके। जाते जाते भी मेरा अंगद घर में खुशियां बिखेर दिया। गुड्डन, हमें उसकी इच्छा का मान रखना चाहिए। दादी, अंगद की लास्ट विश हम सबको खुशी से सेलिब्रेट करनी चाहिए। Happy birthday to you. सर, गिफ्ट्स और केक के साथ साथ अंगद जी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट वाउचर भी है। सर, आपके और गुड्डन जी के लिए 2 दिन का होटल स्टे। गुड्डन भाभी, आपने और भाई ने जो इस परिवार के लिए किया है, उससे ये घर तो सही सलामत है, लेकिन आप दोनों का रिश्ता डगमगा चुका है। शादी हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन इस घर की जिम्मेदारियों ने आप दोनों को इस तरह बांधे रखा है कि आपने अपना हनीमून तक नहीं मनाया।
आज आपके बर्थडे पर मैं चाहता हूँ कि आप और भाई छुट्टी पर बाहर जाएं, सारी परेशानियों और जिम्मेदारियों से दूर। सिर्फ आपस का रिश्ता निभाए भाई, आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा? लेकिन आज का दिन आपका है भाभी, मुझे नहीं पता, प्लीज इससे अपने लिए जिएगा भाभी। मेरी तरफ से हैप्पी 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 बर्थडे आपका अपना अंगद। अंगद ने जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया है गुड्डा। लगता है जैसे वो जानता था कि उसके जाने के बाद पूरा परिवार कब में डूब जाएगा। गुड्डा, हमारा अंगद जहां कहीं भी होगा ना, खुश होगा।